हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राशि की रसोई में। आज की हमारी रेसिपी है कोलकाता स्टाइल एग करी की। चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने स्मॉल साइज़ के जो बेबी पोटैटोज़ होते हैं उन्हें पार बॉयल कर लिया है और यहाँ अंडों को भी बॉयल कर लिया। बस इसमें कट लगा लेंगे। कट लगाने से ये होगा ये कि इसे हमें फ्राई करते टाइम ये फटेंगे नहीं और सारे मसाले इसके अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एक बोल में हम एग ले लेंगे और इसमें हम थोड़े से सूखे मसाले ऐड करेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून जितना हल्दी और 1/2 टीस्पून या 1/4 टीस्पून जितना नमक। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, सारे अंडों पे लगा लेंगे। इस मसाले को लगा के अंडों को फ्राई करने से उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। देखिए अच्छे से मैंने सारे अंडों पे मसाले लगा लिए। चलिए इसे हम लोग फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल में बनाया है, आप चाहें तो कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। पैन में हम लोग तेल गरम करेंगे। इसमें एक एक करके सारे अंडे को ऐड कर देंगे। अंडों में अच्छा सा कलर आ जाए जब तक इसे हमें फ्राई करना है। इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए सारे साइड से हमें तल लेना है। देखिए इसे पलट पलट कर पकाना है और कभी कभी ये उड़ता है। इसे पानी में घोल लेने से तो ये मसाले जलते नहीं है।
से कवर करके 2-3 मिनट और पकाएंगे। देखिए इसमें साइड से मसाले में से तेल निकल रहा है। तो हमारा मसाला रेडी है। अब यहाँ मैंने एक टमाटर का प्योरी लिया है, टमाटर को मिक्सी में डालकर पीस लिया है। उसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके, जिससे कलर बहुत ही सुंदर आ जाता है। यहाँ पे कोई फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं है, बस आप टमाटर में थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दीजिए, मतलब 1/4 टीस्पून जितना, और उसका पेस्ट बना लीजिए। देखिए मस्त आपका टमाटो प्यूरी रेडी हो जाता है। नहीं तो आप चाहें तो यहाँ मार्केट वाला भी टमाटो प्यूरी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मसाला भी अच्छे से भुन गया, टमाटर भी हमारा अच्छे से पक गया है। टमाटर प्यूरी डालने के बाद ही मैंने इसे 7 से 8 मिनट पकाया है। अब इसमें आप अपने ग्रेवी, आपको जितना बनाना है उसके हिसाब से पानी ऐड कर दीजिए, मतलब ग्रेवी आपको जितनी गाढ़ी या पतली रखनी है उसके हिसाब से। देखिए ग्रेवी में बॉईल आ गया है। अब इसमें हम लोग ने जो अपना एग और आलू को फ्राई करके रखा था वो ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों में, कवर करके 3-4 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। फ्रेंड्स ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और ये कलकत्ता स्टाइल है, क्योंकि वहाँ पे आलू डाल के बनाया जाता है। नॉर्मली हम लोग एग करी में आलू नहीं डालते, लेकिन कोलकाता में आलू डाल के बनाया जाता है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, वहाँ का फेमस स्ट्रीट फूड है। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाला डालने के बाद कवर करके 1-2 मिनट और पका लें, ताकि ग्रेवी में उसका पूरा अच्छा फ्लेवर आ जाए। और गरम मसाला हमेशा लास्ट में ही ऐड करेंगे। देखिए मस्त सब्ज़ी बन के रेडी है। अब बस इसे थोड़े से धनिया पत्ते के साथ फिनिश करेंगे, बस लास्ट में धनिया पत्ता ऐड करें और बस रेडी है आपकी एग करी। देखिए मज़ेदार है, देखिए कितना मस्त दिख रहा है। आप इसे चावल के साथ या पराठे के साथ किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।